92.7 बिग एफएम पर92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। पिछले हफ्ते हमने बहुत सारी बातें की, कई सारे पन्ने पलटे सुनील ग्रोवर और कीकू शारदा के साथ, पर जब सामने दो इतने एंटरटेनिंग और मजेदार इंसान बैठे हो तो उनको इतनी जल्दी तो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कुछ और कहानियां, कुछ और किस्से हैं जो हमारे साथ वो शेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए बातों का सिलसिला जारी रखते हुए शुरू करते हैं आज का शो कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम एंड माई स्पेशल गेस्ट सुनील ग्रोवर एंड कीकू शारदा। सुनील, कीकू, थैंक यू फॉर कमिंग बैक विद अस ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के। तो पहले पूछना चाहूंगी कि पलक, गुत्थी, गुत्थी, पलक, इन दोनों नाम से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि आप दोनों जैसे इनसेपरेबल ट्विन्स हो गए हैं जी। और आपका ये जो कैरेक्टर है दोनों का, अभी तो चलो आपने पलक गुत्थी किया, अभी नए शो में भी आप दोनों वैसे ही जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नर्स प्ले करते हैं। तो कभी ऐसे हुआ है कि लगता है कि ये तो हम करते हैं पर हम एज एन आर्टिस्ट लिमिटेड हो गए हैं, अभी हम इसके आगे भी और कुछ कर सकते हैं? बहुत जल्दी है वो सोचने के लिए, शायद अभी हमें अंदर से फील नहीं होता, क्योंकि ऑडियंस जब तक रिसीव करती रहेगी ना तो आपको लगेगा कि आपको करने में भी मजा आएगा, लेकिन वो स्टेज आई नहीं है जो आप पूछ रहे हैं। शायद वो स्टेज थी तो नया स्टेज शो भी आ गया, अपने आप ही चीजें हो गई, रिफ्रेश हो गई, नए किरदार हम लोग निभा रहे हैं, नया कैरेक्टर निभा रहे हैं, अपने आप ही प्रकृति ने कर दिया वो। अब चूंकि कैरेक्टर्स फिक्स्ड हैं, शो शुरू हुआ है, एक अब नया कॉमेडी जॉनर है, उसके अंदर आप क्या नया नया कर सकते हैं इज आवर चैलेंज, जो हमको भी रिफ्रेश करता रहे और ऑडियंस को भी रिफ्रेश करता रहे। अब आप बताइए कि आप इस बारे में किस तरह से सोचते हैं? फ्रेंकली मतलब मेरे लिए तो आफ्टर वर्किंग फॉर आई थिंक 14 इयर्स मैंने ओ सर आपके पांव का है, मुझे तो लगा था आप अभी काम करना शुरू आप तो सीनियर निकले। तो इतने वक्त में मैंने जो कुछ भी किया है मेरे लिए अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि जहाँ पे मज़ा आए हम वहाँ काम करने चाहें। तो ये फोकस बड़ा क्लियर है और मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आता है, बहुत 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 मज़ा आता है। मैंने एक्चुअली जब अपना करियर भी नहीं शुरू किया था, मैं कॉलेज में था तब, कॉलेज लेवल पे मकरंद देश पांडे का नाम आपने सुना होगा अगर, तो मैं उनके नाटक किया करता था, प्लेज दैट वर रिटन बाय हिम, दे वर एक्सट्रीमली सीरियस एंड वो करने भी मुझे बड़ा मजा आया। कॉलेज लेवल पे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स मैं वो सब किया करता था। फिर धीरे धीरे यू नो वट एवर आई केप्ट डूइंग, कि मैंने अगर हातिम किया फिर ये शो, फिर वो शो, वो शो, वो शो, मैं बहुत पहले एक शो करता था द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो, जो स्टार वन पे आता था, वो शो करके मुझे और वो जो टीम थी, सुनील भी हमारे साथ ही थे उस समय, बहुत हमने एंजॉय किया अपने आप को और वो टीम आज भी इंटैक्ट है, एज इन वी कीप मीटिंग। सो आई थिंक एवरीवेयर वेयर आई थॉट के बॉस ये काम करने, दिस इज अमेजिंग, व्हाट एन एक्सपीरियंस, दिस इज व्हाट अ डे, मतलब एक पूरा दिन इतना हंसते खेलते गुजरता है, देयर इज नथिंग बेटर इन लाइफ देन एंजॉयिंग योर डे दैट आल्सो ऑन अ डेली बेसिस। तो इसलिए फॉर मी तो यू नो द वर्क इज हेवन व्हेन इट्स a happy day। मैं भी कई लोगों से पूछता हूँ कि एक फिल्म में मिली है मुझे, मैं ये किरदार करने वाला हूँ, मुझे करना चाहिए, जो मेरे दोस्त हैं तो कहते हैं वो कर लेकिन ये मत छोड़। मैं बोला क्यों आप ऐसा सोचते हैं? आपका सवाल था कि कई बार मन नहीं करता कि कुछ और नया करें, मुझे लगता नया करते रहो, पर ये कई बार ऑडियंस आपसे इतना ज्यादा चाहने लगती है, आपको इतना प्यार करने लगती है, वो नहीं छोड़ने देगी आपको। सही बात है। सो समटाइम्स यू आर डूइंग इट फॉर द ऑडियंस आल्सो बिकॉज़ दे लव यू सो मच एज दिस, और आप उनके चेहरे पे स्माइल ला रहे हैं, तो लगता है कि इतने ब्यूटीफुल कनेक्शन को क्यों उस इस शो को दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं। सुनील ग्रोवर और कीकू शारदा कई सालों से पलक और गुत्थी के नाम से मशहूर है, पर कभी क्या सुनील और कीकू को ये मलाल हुआ कि उन्हें लोग उनके नाम से जाने? जानते हैं सुनील और कीकू इसके बारे में क्या सोचते हैं, पर उससे पहले मेरा एक बहुत ही फेवरेट सा गाना, जाने कहां मेरा जिगर गया जी, सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर कुछ पन्ने जिंदगी के। वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और मेरे आज के खास मेहमान बहुत ही प्यारे, बहुत ही मजेदार दो कलाकार सुनील ग्रोवर एंड कीकू शारदा।
सुनील और कीकू आप लोग पलक गुत्थी के वजह से कई सारे परफॉर्मेंसेस करने लगे हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेस, अपीयरेंसेस करने लगे, पर वहाँ पे भी आपको एज पलक गुत्थी या फिर डॉक्टर नर्स इन्हीं किरदारों में इनवाइट किया जाता है। कभी ऐसे लगता है कि काश हमें एज सुनील ग्रोवर, एज कीकू शारदा इनवाइट किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए? बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता ऐसा। पर्पस यही है कि लोगों को एंटरटेन करना है। अगर लोग आपको इस चीज में देखना चाहते हैं और वो पसंद करते हैं लाइव शोज में, तो यही आपका काम है। अगर आपके काम की वजह से आपको लोग जानते हैं तो ठीक है, मुझे कोई साइन बोर्ड थोड़ी बनवाने मेरे नाम की। मैं आता हूँ, लोग खुश होते हैं, मुझे खुशी मिलती है, कर तो मैं ही रहा हूँ ना। और वो मेरा काम इसी कैरेक्टर के थ्रू जा रहा है अगर, तो उसी से जानेंगे लोग मेरे कैरेक्टर को, या मेरे कैरेक्टर के थ्रू जो मैं एंटरटेनमेंट देता हूँ उसको लोग पसंद करते हैं, तो इट्स अ बिग हाई फॉर मी। सुनील ने तो अपनी सोच बता दी है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? फॉर सुनील ओनली आई एम सेइंग कि अभी लेटली कुछ ऐसा हुआ जिसमें कुछ लोग एक्चुअली नहीं पहचान पाते कि ये जो डॉक्टर है, आके बोल कर जाते हैं कि वो डॉक्टर जो एक्टर ने किया, अरे वो कमाल का किया। और फिर वो जो रिंकू भाभी का किया, वो दैट एक्टर्स ऑल्सो दे एक्चुअली बिलीव देयर आर टू डिफरेंट एक्टर्स प्लेइंग द टू कैरेक्टर्स दैट सुनील इज प्लेइंग। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो व्हाट बिग हाई फॉर इट्स सच अ ग्रेट अचीवमेंट वेयर द एक्टर द मैन डिसअपीयर्स एंड द कैरेक्टर्स आर द एक्सपीरियंसेस दैट पीपल हैव। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? पहले हम लोग शोज करते थे, जैसे स्टेज पे जाते थे, तो पहले अपना टैलेंट प्रूव करो, 10 मिनट उनको एंटरटेन करो, उसके बाद हम लोग आपके लिए चीयर करेंगे। अब ऐसा नहीं है, अब हमारा एंट्री नाम बोलते हैं तो उससे पहले जो चेयर होता है, आई थिंक दैट इज समथिंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अब इस दौरान हम लोगों ने अर्न किया है वो, या हमको मिला है वो, बहुत खूबसूरत चीज है। सुनील और कीकू कई सालों से साथ में काम कर रहे हैं, और जब दो लोग साथ में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी थोड़ी बहुत तो अनबन, थोड़ी बहुत तो नोक झोंक, लड़ाई हो ही सकती है। क्या इनके बीच में भी ऐसी कोई बात हुई है? जानते हैं सुनील और कीकू से बस थोड़ी ही देर में, पर उससे पहले क्योंकि ये लोग अक्सर लड़कियों के गेटअप पे दिखते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये गाना सुना जाए फ्रॉम द फिल्म रफू चक्कर। सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर कुछ पन्ने जिंदगी के, वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। और मेरे खास मेहमान है टेलीविजन के मशहूर जोड़ी पलक गुत्थी, यानी कि सुनील ग्रोवर एंड कीकू शारदा। आप लोग इतने सालों से दोस्त रहे, आप लोग काम कर रहे, कभी ऐसे हुआ कि किसी बात पे आप लोग दोनों लड़े या अनबन हुई आप में? हम लोग धक्का वक्का मारा है शायद एक दूसरे स्टेज पे, जितना अनबन आपने देखी वो स्टेज पे ही वो मैक्सिमम उतनी हुई है। हम लोगों में ऐसा है कि जो आदमी ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोले कि यार नहीं ये गलत है, तो हम उसकी बात मान लेते हैं। तो ये रूल है कि मैं बोला कि कुछ ही, मुझे लगता है ना इस लाइन को ना थोड़ा सा नीचे थोड़ा छोटा कर दे, नहीं नहीं यार मजा नहीं आएगा, इसको बड़ा ही रखते हैं। तो अभी कीकू जी ने इसमें कॉन्फिडेंस से कहा, तो फिर मतलब ठीक है आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा तो बड़ा रखते हैं। ऐसा ही करते हैं कि जब स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे हैं हम दोनों का चंक है, हम लोग रिहर्स कर रहे हैं, तो जिसने ज्यादा वजन डाला अपना कन्विक्शन है भाई, बिलीफ के साथ हम कर जाते हैं। कई बार तो स्क्रिप्ट नहीं होती, हम लोग स्टेज पे चले जाते हैं, कच्ची होती है, तो फिर क्या करें क्या करें क्या करें। मैंने खुद देखे हुए कि लगता है कि क्या इम्प्रॉम्प्टू आप लोग एकदम ऑन द स्पॉट करते रहते हैं। उसमें हम लोग नहीं करते, वो पता नहीं हो जाता है ना। अच्छा अगर सही बात है, कोई चढ़ गए स्टेज पे उतर भी नहीं सकते। ऐसे ही कभी कभी स्क्रिप्ट नहीं होती है। कोई ऐसा कुछ एक इंसिडेंट, एक यादगार पन्ना जो आप लोग दोनों को याद हो कि दिस वॉज अ मोमेंट इन योर लाइफ एज The two of you performing together? बहुत सारे हैं। याद है एक बार हम दोनों एक शो में गए थे, डांस शो में, जब शो शुरू हुआ था कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, तो उसमें 4-5 एपिसोड हुए थे, तो मुझे पता चलने लगा धीरे धीरे बाहर जाते लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप स्टूडियो में काम करते रहते हैं, कई बार आपको बहुत बड़े लेवल पे नहीं। तो एक जगह मैं शो करने के लिए गया, लाइव शो, वहाँ कॉर्पोरेट शो था जो करता रहता था मैं थोड़ा बहुत शो, तो उस शो में जैसे ही मैंने एंट्री की तो सडनली वहाँ पे 5-6 हज़ार लोग होंगे, कुछ 5-6 हज़ार में से 3-4 हज़ार कैमराज ऊपर आए, लाइट, मोबाइल की लाइट जलती हुई कैमरा, तो मुझे एहसास नहीं था कि ये क्या होता है। यू नो आपकी एंट्री हुई और 4,000 कैमरा ऐसे सामने आपके मोबाइल लोगों ने ऑन कर लिए, और इतना ज्यादा शोर, इतनी ज्यादा तालियां,
तो वहाँ के लगा ये मेरी मेरे पीछे कोई देखो कोई खड़ा तो नहीं है यू नो ये मेरे लिए है। तो मेरे को वो जो मोमेंट था ना बड़ा ही एक ट्रांसफॉर्मिंग सा एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए, एक नई सी चीज़ थी कि इतने सारे कैमराज, इतनी सारी तालियाँ और इतना सारा गूंज मेरे लिए, वो भी मैंने कुछ सुनाया भी नहीं अभी। तो आई थिंक वो 10 सेकेंड जो थे वो मेरे 10-15 साल जो मैंने मेहनत की या यू नो जो ड्रीम किया, जो मैंने प्रे किया, उस सारी प्रेयर्स की वो फल था वो 10-15 सेकेंड। उसके बाद तो अब तो हर हफ्ते में 2-3 बार होता है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ऐसा पल, कोई ऐसा यादगार पन्ना होता है जो वो कभी नहीं भूल सकता है। सुनील और कीकू की जिंदगी के पन्नों में कौन सा ऐसा यादगार पन्ना है जानेंगे थोड़ी ही देर में, पर उससे पहले ये प्यारा सा गाना, क्योंकि सुनील और कीकू जितना भी लड़े झगड़े पर कभी उनका साथ नहीं छूटता है। सुनील और कीकू का एक फेवरेट गाना तेरा पीछा ना छोड़ूंगा, ओनली ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर कुछ पन्ने जिंदगी के वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ और स्टूडियो में मेरे साथ जो आज बैठे हैं तो बहुत ही बेहतरीन कलाकार सुनील ग्रोवर एंड कीकू शारदा। कीकू आपने कई सालों से काम किया है, कोई ऐसा एक मौका, एक यादगार पन्ना जो आज तक आपके जहन में हो? एक्चुअली मेरा सबसे पहला एपिसोड ही जो मैंने इस टीम के साथ किया, तब अक्षय कुमार आए हुए थे और मेरा कैरेक्टर भी, मतलब मैं जब शूटिंग पे पहुंचा तब तक क्लियर नहीं था कि करना क्या है, कि सुनील के साथ एंट्री करनी है ये पता है, लेकिन ये क्या उनकी बहन है कि भाई है कि क्या है, होगा क्या, बनेगा क्या, क्या बनाना है, वो खाली अट्रैक्टिव आइडिया लग रहा था कि सुनील जरा पतले हैं, लंबे हैं, कीकू छोटे हैं, जरा ओल मटोल हैं, तो ये कॉम्बिनेशन दिखेगा अच्छा, तो बस इतनी जानकारी थी। इसके भरोसे एक मतलब ये कर दो कर दो, ये विग लगा दो, ये ऐसे कर दो ऐसे कर दो, ये कर करा के स्टेज पे चढ़ गए। उसमें याद है उस मोमेंट पे जब हम स्टेज पे चढ़ रहे थे, 3 कदम पहले स्टेज पे चढ़ने से मैं कहा कुछ ये बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है, ही एक्चुअली टोल्ड मी, मेरे को ऐसा वाइब था मैं कुछ ये बड़ा होने वाला है, तो यस एंड ही नोज। हाँ, ये अभी ऐसी बात एक और बार इन्होंने कुछ की थी वेर ही समहाउ हैज अ वेरी करेक्ट जजमेंट ऑफ के वो दिस विल वर्क वंडर्स एंड दिस विल वर्क इतना ही हैज दैट, उतना समझ में आता है। लेकिन खैर मैं जब स्टेज पे चढ़ा वहां पर तो अक्षय कुमार कोई फिल्म के लिए आए हुए थे, आई थिंक वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के लिए आए हुए थे वो। मैं स्टेज पे चढ़ा उस दिन सोच के ये 7-8 मिनट का सीन है और ये करके मुझे उतरना है, मैं करीब आधे घंटे से 40 मिनट तक स्टेज पर था। मैं क्यों था और मैं कर क्या रहा था और आसपास हो क्या रहा था, ये वही मैजिकली था वो, जिसमें अक्षय कुमार ऑब्वियसली अपने तरफ से कुछ किए जा रहे हैं, तू यहाँ चल ऊपर से नीचे गाना बज रहा है, गाते हुए नीचे आ रहे हैं, फिर कुछ ऑडिशन हो रहे हैं, फिर ये कुछ कर रहे हैं। मैं एक्चुअली शो में करीब 10 एपिसोड लेट एंट्री किया था मैंने, तो शुरुआत में मैं था नहीं, तो इन्हें ज्यादा पता था कि क्या सेटअप और ये वो, तो मैं बहुत ही इस भरोसे पे चढ़ गया था कि भाई संभाल लेना, देख लेना, मुझे इतना पता नहीं है और मैं सिटकॉम ज्यादा करता आया हूँ अपने करियर में भी, तो इस तरह एक लाइव ऑडियंस बैठी हुई और ये वो, ये सब मेरे लिए अपने आप में भी नया था। बट थैंक्स टू हिम एंड थैंक्स टू द एंटायर सेटअप वेयर एक्चुअली फॉर 40 मिनट्स आई वाज ऑन स्टेज एंड व्हेन आई गॉट डाउन आई वाज थिंकिंग व्हाट हैपेंड इन द लास्ट 40 मिनट्स। पर बड़ा मजा आया। मैं जानना चाहता हूं ऐसी क्या अट्रैक्शन है आप में कीकू जी के अक्षय कुमार आपके साथ हमेशा फिजिकल हो जाते हैं? जी जी उन्हें क्या मजा आता है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो है, गोल मटोल है। हाँ, उन्हें लगता है कि उनका हर पंच बाउंस बैक हो जाएगा, लेकिन सिर्फ बाउंस बैक में, बट इट्स ऑलवेज नाइस टू शूट विद हिम। सुनील और कीकू की दोस्ती तो बेमिसाल है, पर ऐसा क्या हुआ कि सुनील रातों रात शो छोड़कर पलक से छुटकी बन गए? क्या वो उनका अहंकार था या कोई और वजह, जानेंगे थोड़ी ही देर में सुनील से। पर उससे पहले सुनील आपका एक फेवरेट गाना हो जाए, ये दोस्ती। अमिताभ बच्चन बाइक चला रहे हैं साइड में, धर्मेंद्र बैठे हुए कार्ट पे, वो जो विजुअली बहुत कमाल लगता था मुझे, मूव करता हुआ। कुछ और पन्नों के साथ लौटते हैं थोड़ी ही देर में, तब तक सुनिए ये प्यारा सा गाना ओनली ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर कुछ पन्ने जिंदगी के।
वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। और मैं इनकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ, टेलीविजन के मशहूर कॉमेडियंस सुनील ग्रोवर एंड कीकू शारदा। सुनील, एक वक्त था जब आपने गुत्थी के कैरेक्टर को छोड़कर आप चुटकी बन गए, और जब आप चुटकी बने तो चुटकियों में आपको चुटकी गायब हो गई। आपने थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा था कि सुनील तू नया क्यों नहीं कुछ करता, इसीलिए नहीं करता मैंने। तो एक आर्टिस्ट के लिए वो ना होता है कि मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया और वो एकदम ही मिसफायर। तो वही यू डिसहार्टेंड एट दैट मोमेंट? मुझे लगा शायद अच्छे के लिए होता है जो होता है। एक्सपीरियंस था एक अच्छा। कई चीज़ों को एक्सेप्टेंस मिलती है, कई चीज़ों को एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। आर्टिस्ट की लाइफ में काफ़ी सारे पड़ाव आते हैं, आप कई बार कुछ नया फील करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो आई थिंक दैट्स फाइन, वो होना था वो हो गया। वो शो, उस शो में भी मैंने उतनी शिद्दत से काम किया जितना मैं इसमें करता हूँ। और सिर्फ एक आर्टिस्ट की वजह से कोई शो नहीं चलता है या नहीं चलता या चलता है, आई थिंक इज द होल टीम, सारी टीम है। फिर उसके बाद एक एक्स फैक्टर भी होता है, कुछ सितारे भी इकट्ठे बैठने होते हैं, सब चीज़ें, टीम लीडर्स भी होते हैं, तो सबका एक कॉम्बिनेशन सही बैठ गया तो वो चलेगा। तो आई थिंक सबका कॉम्बिनेशन उसके अंदर नहीं सही बैठा तो शो नहीं चला। मैं जानता हूँ अभी आपने टीम लीडर क्यों मेंशन किया। हम अमेरिका शोज करने गए थे, हमारी पूरी टीम, जिसमें हमने सिर्फ वीजा एप्लीकेशन में हमसे कहा गया कि आप सब लोग साथ में आए हैं, आप एक टीम लीडर डिसाइड कीजिए कि कौन आगे बढ़ के बात करेगा आपके बिहाफ में। वहां पर हमने इन्हें टीम लीडर क्या बना दिया। हमारी सारी ट्रिप, पूरी की पूरी जो यूएस का टूर था हमारा, उसमें ये आदमी टीम लीडर मैं हूँ, आपको क्या करना है, आप यहाँ पर ये करेंगे, आप यहाँ पे वो करेंगे। हमने ना भाई, हमने सिर्फ वीजा के लिए बनाया था तुम्हें टीम लीडर, तुम हमारे जीवन के लीडर नहीं बन गए हो। कहीं गए फिर कोई शॉपिंग मॉल में, वहां पे कैप पे छपा के लेकर आए टीम लीडर सुनील ग्रोवर, फिर वो लीडर की कैप पहनते। He took his job really seriously. लेकिन मैं अपनी टीम को ये कहना चाहूंगा एज अ लीडर, जो इन लोगों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी उन्होंने नहीं दी। वो मैंने अपने आप ले ली जितनी मैं ले सकता हूँ। पर इनको चाहिए कि अपने लीडर से और थोड़ा सलीके से पेश आए। सलीके से, जी जी। कलाकारों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि अपने कला में वो ऐसे डूब जाते हैं कि कई बार वो अपनी कला को पेश करते हुए हद से आगे बढ़ जाते हैं और उसका फिर भुगतान भी भरना पड़ता है। ऐसा ही कुछ कीकू शारदा के साथ हुआ था। जानते हैं उनसे जुड़े कुछ एक्साइटिंग पन्ने, और जब भोलेपन में कुछ ऐसी ही बातें हो जाए तो ये गाना सुनने में तो बड़ा ही मजा आएगा। सुनिए मेरे भोले बलम फिल्म पड़ोसन से, ओनली ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर कुछ पन्ने जिंदगी के, वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। और मेरे साथ आज स्टूडियो में जो मौजूद है टेलीविजन के मशहूर कलाकार सुनील ग्रोवर एंड कीकू शारदा। कीकू, आप इतने अच्छे एंटरटेनर, आप तो कॉमेडी इतना अच्छा करते हैं, और कॉमेडी करते करते आपने कुछ ऐसा कर दिया कि आपको इनके गांव में जाना पड़ा। सीता में आप मेहमान बन के चले गए। मैं अभी भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ, ऐसा मैंने क्या कर दिया था। जो भी था, बड़ा ही अजीब सा एक्सपीरियंस था। आज भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं लोगों से यही कहता भी हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें वी आर ट्राइंग टू सी द लाइटर साइड ऑफ एवरीथिंग। वी आर विलिंग टू लाफ एट आवरसेल्व्स। हम हंसते हैं अपने आप पे, हमारे ऊपर हम स्टेज पे पंचेस बनवाते हैं कि आपके मेरे वजन के ऊपर, मेरे लुक के ऊपर आप कुछ कहना चाहते हो आप कहो। हम साथ में बैठ के, कपिल भी अपने ऊपर चार चीजें बनवाते हैं कि मुझे ये बोल दो, मुझे वो बोल दो। हम सब जब ये काम करते हैं तो इतना खुले मन से करते हैं, दैट इज वेयर द ह्यूमर कम्स फ्रॉम, दैट यू डोंट टेक थिंग्स so seriously, yeah. You know, and life needs to be not taken so seriously, and that is where I was disheartened with this entire incident. Ke, you know, a certain thing was blown out of proportion. But having said that, you know, with due respect to all kinds of people in the country, in the world, ke bhai, theek hai, logon ka, main ye to kehta hu, aapko nahi pasand aayi cheez, to aap ungli bhi uthaiye aur bataiye ke, you know, you're not happy with what I just said. And you know, if someone walks into a mall also to me and says ke, you know, aapne wo jo joke mara na us din, wo
एपिसोड में आपने ये लाइन कही थी, मुझे अच्छी नहीं लगी, तो एक बार को तो मैं रीजन आउट भी करने की कोशिश करूंगा कि भाई साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा बताइए तो व्हाई, व्हाट डिडंट यू लाइक अबाउट इट, बट बियॉन्ड द पॉइंट आई कांट. आई सेड ठीक है, आपको नहीं पसंद आई, व्हाट डू, यू टेक सम काइंड ऑफ अ लीगल एक्शन और यू वांट टू से, चलो आप वो भी कर लो, बट व्हाट हैपेंड विद मी वाज बियॉन्ड लीगैलिटीज आल्सो. इट्स नॉट द वे थिंग्स शुड हैव गॉन. सडनली समवन इज पिक्ड अप, टेकन टू अनदर प्लेस, अ प्लेस दैट इज अननोन टू मी, आई डोंट नो मच अबाउट दिस थिंग, सो इट वाज नॉट अ वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस. मैं शुक्रिया सच में करना चाहूंगा ऑफ द पीपल अराउंड मी, माय एंटायर टीम दैट आई वर्क विद, एंड द एंटायर इंडस्ट्री, फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री, वेयर अ लॉट ऑफ पीपल केम फॉरवर्ड एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड बिकॉज सो मेनी पीपल केम फॉरवर्ड. इट डिड मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो आई एम रियली एक्चुअली थैंकफुल दैट द टाइम व्हेन समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री नीड्स यू नो हैंड्स टू होल्ड, पीपल डू कम फॉरवर्ड टू होल्ड योर हैंड्स. पूरे वक्त में आपको पता चलता है आपके सही दोस्त कौन है. ये एक कलाकार के कई चेहरे होते हैं. सुनील ग्रोवर टीवी और स्टेज पर आपको एंटरटेन करते हुए बहुत मजाकिया अंदाज में मिलते हैं, पर असलियत में सुनील क्या है जानेंगे खुद सुनील से थोड़ी ही देर में. पर उससे पहले कीकू, आपने मुझसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको आरडी बर्मन जी के गाने बहुत पसंद है, तो जरा कुछ आरडी बर्मन स्टाइल में हो जाए. मुझे एक्चुअली गाने वो बहुत पसंद है जिनके अंदर साउंड्स होती हैं, आहा ओहो गुलु 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 गुलु, और वो साउंड्स वाले गाने बड़े अच्छे लगते हैं, आरडी, ऑल आरडी. कुछ और पन्नों के साथ लौटते हैं थोड़ी ही देर में, तब तक सुनिए ये प्यारा सा गाना ओनली ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग एफएम. 92.7 बिग एफएम पर कुछ पन्ने जिंदगी के, वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम. और मैं इनकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ, टेलीविजन के मशहूर कॉमेडियंस सुनील ग्रोवर एंड कीकू शारदा. मैं जानना चाहूंगी कि लोग सुनील को जानते हैं एज अ ग्रेट कॉमेडियन, एज एन आर्टिस्ट, पर सुनील असलियत में क्या है. अक्सर कहा जाता है कि हर इंसान जिसके अंदर बहुत सारा मजाकिया अंदाज हो, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक इमोशनल फैक्टर बहुत डीप होता है. मुझे लगता है कि हंसाने वाला कोई भी आदमी, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर इज अ ग्रेट सेंस, मैं अपने बारे में नहीं, सब जो हंसाने वाले सबके बारे में कह रहा हूँ, एक आदमी जो इंटेलिजेंट नहीं है, समझदार नहीं है, वो लोगों को नहीं हंसा सकता और हंस भी नहीं सकता. हंसने के लिए भी समझदारी बहुत जरूरी है. तो समझदार तो इसका मतलब मैं हूँ, ठीक है. तो साथ में मुझे कई बार खाली बैठे रहना बड़ा अच्छा लगता है. मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्क में बैठा हुआ हूँ या समुंदर किनारे बैठा हुआ हूँ, ऐसे बड़ी देर तक घूमना फिरना, मैं घुमक्कड़ बहुत हूँ. मुझे पहला मौका दीजिए, मैं घूमने निकल जाऊंगा बैग उठा के. बहुत एक्सट्रीमिस्ट हूँ मैं, मतलब कभी मुझे बहुत शांत रहना पसंद है, सारा दिन मैं शांत रहूंगा, कभी तो मुझे सारी सारी रात पार्टी करना पसंद है. तो सारी रात मुझे नचवा लो, मैं नाचता रहूंगा. तो कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं तो गोवा वोवा में बैठे हैं, दिन सारा दिन वहीं बैठे हुए बीच किनारे, वो ऐसा भी बड़ा मजा आता है. तो ऐसा नहीं कि मैं ऐसा ही हूँ, मुझे कई बार पढ़ना अच्छा लगता है, कई बार खेलना अच्छा लगता है, जैसे आम लोग होते हैं वैसे ही. आजकल आम लोग बड़े खास हो गए. मुझे पोइट्री सुनना भी कई बार अच्छा लगता है, कई बार इंग्लिश गाने जो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आते लिरिक्स उसके, पर फिर भी उनके ऊपर नाचना भी अच्छा लगता है. मैं कभी बोर नहीं होता लाइफ में. हाँ, ये सच बात है, कभी बोर नहीं होते. ये मतलब देयर आर टाइम्स व्हेन 3-4 बजे सुबह भी मैसेज जाता है कि एनीवनस अवे, कैसे ग्रुप जो भी होते हैं उसमें, ये पता नहीं क्या मतलब, ही इज एन एनी पार्टी. मतलब हमने बहुत, हम एक्चुअली ये शो से पहले एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं, तो हमारी जो हाउस पार्टीज करें या कुछ भी करें, तो ही इज ऑलवेज देयर. And he is invariably the last man to leave a party. At least हमारी जो internal अपनी आपसी जो parties होती हैं, ये आदमी है. और ये आदमी मतलब literally, हम party शब्द का आप जिक्र कीजिए और ये आते हैं, मैं डीजे भेज दूं. इनके पास डीजे है, इनके पास सारी तैयारियां हैं, मतलब so ready to party. मैंने और किसी को नहीं देखा है अपने. It's also the team leader in him, ना? Yeah, 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 the leader, the leader. मुझे उत्सव जो celebration है ना, अगर मैं को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो जिंदगी को, आई थिंक सेलिब्रेशन. एक बार आए हैं, पता नहीं कब चले जाना है, तो इसको सेलिब्रेट ही करते रहो. वेरी नाइस, वेरी नाइस.
कीकू शारदा को आपने कई सालों से टीवी पर कई किरदार निभाते हुए देखा है, पर असली जिंदगी में कीकू कैसे है, उनके घर वालों के साथ, उनके परिवार के साथ, दोस्त यार के साथ वो किस तरह से पेश आते हैं, जानते हैं खुद कीकू से। पर उससे पहले वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, जाने कहां मेरा जिगर गया जी, ओनली ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर कुछ पन्ने जिंदगी के। वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और मेरे आज के खास मेहमान बहुत ही प्यारे बहुत ही मजेदार दो कलाकार सुनील ग्रोवर एंड कीकू शारदा। कीकू, आपसे अभी जब मैं बातचीत कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि आप बहुत हैप्पी को लकी चिल्ड आउट इंसान है, तो आप हमेशा ही ऐसे ही रहते हैं? नहीं, मैं सच में लेकिन हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि मुझे ऐसी जगह पे होना मेरा बहुत जरूरी है जहाँ पे मैं इंजॉय कर रहा हूँ। वो कुछ भी नेगेटिव होने लगता है तो मुझे घबराहट सी होती है, तो हैप्पी को लकी रहने में मैं हैप्पी रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं उन जगहों को भी चूज करता हूँ जो मुझे हैप्पी रखती है। और सबसे ज्यादा आजकल, मतलब लेटली, अब मेरे दो बेटे हैं, मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं ना, अपार्ट फ्रॉम बीइंग क्यूट एंड ऑल, आई थिंक उनके जो सवाल होते हैं, उनकी जो बातें होती हैं, वो अजीब अजीब सी चीजें पूछते हैं, अजीब अजीब सी चीजें करते हैं, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं अपने कैरेक्टर्स में और अपनी चीजों में जो मैं करता हूँ ना, आई थिंक दैट लिटिल चाइल्ड शुड बी अलाइव इन एवरीवन, एंड यू नो दे हैव नो प्रेशर्स, दे हैव नो टेंशंस, तो उनकी लाइफ देख के मुझे बड़ा मजा आता है। और मुझे हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि ऐसी टाइप की लाइफ एक फुल लाइफ तक लीड कर पाए तो कितना अच्छा हो। तो आई गेस दैट्स हाउ आई वांट टू लिव माय लाइफ। मैं अपने बेटे को हर 2-3 दिन में ऐसे ही कहती हूँ। आज क्या बोला था उसने? आज पहली बार उसने मुझे बोला, व्हाई आर यू गोइंग टू वर्क टुडे, तो मैं यू आल्सो कम, आई सेड यू नो हु आर कमिंग टुडे, तो मैं पलक They are not going to come like themselves today. So that is our real self. They are not going to come like themselves today. We are in disguise right now. So, I said, हाँ, ये बात तो सही है. They are not going to come like themselves today. How cute, yaar. How cute. Superb. Thank you so much, Sunil. Thank you so much, Kiku, for coming on कुछ पन्ने ज़िंदगी के with मधुरिमा निगम. Thank you, मधुरिमा. Thank you so much. पिछले 2 हफ्तों में मुझे बहुत मज़ा आया सुनील और कीकू से बातें करते हुए। पता नहीं कैसे वक्त बीत गया, कितने पन्ने पलटे, कितने किस्सों के बारे में दिल खोल के दोनों ने हमसे बातें की है। ऐसे ही बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। अगले हफ्ते मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त से आप सबको मिलवाऊंगी, जो हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कोरियोग्राफर्स, द डांस गुरु टेरेंस लुइस से। तो जरूर सुनिएगा अगले रविवार रात 9 बजे कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। और जाते जाते आपको सुनाती हूँ वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, लावारिस फिल्म का मेरे अंगनी में।